भारत बंदी को लेकर सोमवार को आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे दो कांग्रेसी आपस में ही भिड़ते नजर आए। आंदोलन अभी शुरू ही नहीं हुआ था कि दो कांग्रेसी आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की करने लगे। इतना ही नहीं, एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने तो चप्पल तक उठा ली। वहीं मीडिया का कैमरा देखते ही अन्य कांग्रेसियों ने आपस में लड़ रहे दोनों कांग्रेसियों को अलग अलग कराया। दरअसल कांग्रेस कमान द्वारा सोमवार को देश भर में भारत बंदी का ऐलान किया गया था। इसी के तहत गोरखपुर के कांग्रेसी सोमवार को नगर निगम परिसर में विरोध जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे थे। अभी विरोध जुलूस नगर निगम मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि तभी दो कांग्रेसी किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई करने लगे। दोनों ने धक्का मुक्की की। इतने में एक वरिष्ठ कांग्रेसी ने चप्पल उठा ली और दोबारा मारने की धमकी देने लगे। लेकिन कुछ कांग्रेसियों को ये जल्द ही एहसास हो गया कि मौके पर मीडिया कर्मी भी हैं जो उनकी इस हरकत को कैमरे में कैद कर रहे हैं। फिर क्या था, वहां मौजूद अन्य कांग्रेसियों ने आपस में लड़ रहे दोनों कांग्रेसियों को अलग अलग किया। लड़ रहे दोनों कांग्रेसियों में से एक का कहना था कि दूसरे ने उसके साथ गाली गलौज की है। आइए गोरखपुर न्यूज की कैमरे से दिखाते हैं कि देश की जनता के हित की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेसी कैसे आपस में भिड़ते हैं। आपस में भिड़े गाली बक रहा है भाई, आपस में भिड़े कांग्रेसी। अरे वाह रे वाह, आ गई भाई, आ गया है, आ गया, आ गया है, 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 हम बहुत सही कीजिए। अरे हमारे चलुआ रहा